आपने वेज और नॉन वेज थाली के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी चाय की थाली के बारे में सुना है? अगर नहीं तो चलिए आपको ले चलते हैं पुणे, जहां चाय की थाली की चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। ये है जेएम रोड के छोटू टपरी वाला कैफे, जो अपने अलग अलग काम की वजह से काफी चर्चाओं में है। ये अपने कैफे में 6 से 7 तरह की वैरायटी की चाय की थाली देते हैं। चलिए अब आपको इनकी चाय की थाली के बारे में बताते हैं। सुनने में अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन देखिए इसमें क्या क्या खास है। सबसे पहले बात करते हैं छोटी नाम थाली की, जिसमें आपको चाय मिलेगी, मैगी, बटर करी और बन मस्का मिलेगा। बड़ा चाय थाली में 2 अदरक वाली चाय, खारी बिस्किट, मैगी और वेज सैंडविच मिलेंगे। इसके साथ ही महाराजा चाय की थाली में 1 चाय की केतली, बन मस्का, खारी स्पेशल मैगी, वेज सैंडविच शामिल है। स्वीट एंड स्पाइसी थाली में ओवरलोड चॉकलेट बन, स्पाइसी चीज बन, तिल मैगी, बटर खारी मिलेगा। और ऐसी और भी कई थाली हैं जो चाय की चुस्की के साथ साथ लाजवाब खाने की अलग अलग चीजों के साथ अलग तरीके से आपको मिलेगी। मेरा नाम सौरभ करमरकर है और मैं पुणे के जेएम रोड में छोटू टपरी वाले इस कैफे से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं और मेरे पार्टनर चोकेश्वर नकाड़े, हम दोनों ने मिलके ये कैफे 4 महीने पहले चालू किया है यहाँ पे। हमारे ब्रांड के ओनर है स्वप्निल गंगवाल सर, और हमने 4 महीने पहले यहाँ पे उनकी फ्रेंचाइजी ली छोटू टपरी वाला की, और 4 महीने से हम यहाँ पे ये कैफे रन कर रहे हैं। तो बहुत यूनिक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपको हमारे कैफे में देखने को मिलेंगे, राइट फ्रॉम ब्रेकफास्ट जो आप रात के 11 बजे तक एंजॉय कर सकते हो, ऐसे अलग अलग फूड आइटम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और चाय थाली जो कंसेप्ट है वो बहुत यूनिक कंसेप्ट है छोटू टपरी वाला की। तो ये चाय थाली आप अगर देखोगे तो उसमें आपको सैंडविचेस, मैगी, चाय और अलग अलग बन मस्का, ऐसे अलग अलग आपको फूड आइटम्स इसमें देखेंगे। तो चाय थाली इज द वन एंड ओनली कंसेप्ट दैट इज इन्वेंटेड बाय द ओनर ऑफ आवर ब्रांड। चाय थाली में आप देखोगे तो बहुत अलग अलग रेंज में आपको चाय थाली देखने को मिलेगी। 1 आदमी के लिए चाय थाली है, 2 आदमी के लिए, 3, 4, 5, ऐसे अलग अलग, जैसे आप स्ट्रेंथ है लोगों की वैसे चाय थाली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और अलग अलग फूड आइटम्स जो है उनकी टेस्ट अगर आप देखोगे तो आपको क्वालिटी मिलेगा, क्योंकि अच्छे क्वालिटी का फूड ऑब्वियसली यूज होता है यहाँ पे। और बन मस्का, चाय, मैगी, सैंडविचेस, पिज्जा, बर्गर्स, फ्राइज, ऐसे अलग अलग रेंज के फूड प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ पे मिलेंगे। चाय पहले में अगर आप देखोगे तो छोटी चाय थाली, बड़ा चाय थाली, चटपटा चाय थाली, महाराजा चाय थाली, स्वीट एंड स्पाइसी चाय थाली, मिसल पाव चाय थाली, नाश्ता चाय थाली और सैंडविच चाय थाली, ऐसे 6-7 टाइप के आपको चाय थाली यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और आप अगर कभी हमारे जेएम रोड के आउटलेट को विजिट करोगे या बानेर के जो ओनर का आउटलेट है उसको विजिट करोगे तो वहां पे भी आपको सेम टेस्ट मिलेगा, आपको टेस्ट में कोई चेंज नहीं महसूस होगा, क्योंकि सब रेसिपीज जो है वो इतने अच्छे से फॉर्मुलेटेड रहते हैं, मेजरमेंट में हम सब चीजें बनाते हैं ताकि टेस्ट बिल्कुल चेंज ना हो। तो छोटे से छोटा आइटम भी हम यहाँ पे मेजरमेंट के हिसाब से ही बनाते हैं, सो आपको कोई भी आउटलेट पे सेम टेस्ट मिलेगी। इसी के लिए हमारे ओनर ने और उनके सिस्टर ने मिलके ये सब मेन्यू डिजाइन किया है, तो उसमें चाय थाली भी उन्होंने डिजाइन किया है। बेसिकली थाली आप रिलेट करते हो विथ प्रॉपर लंच या डिनर, तो थाली जनरली कंज्यूम किया जाता है एट द टाइम ऑफ लंच और डिनर, लेकिन ये जो चाय थाली है ये आप मॉर्निंग से लेके नाइट तक किसी भी टाइम में कंज्यूम कर सकते हो, ऐसा कंसेप्ट मुझे लगता है उन्होंने सोचा होगा, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग रेंज के फूड्स मिलते हैं। तो सैंडविच चाय थाली में आपको पनीर टिक्का सैंडविच, कॉर्न चीज चिली सैंडविच, स्पाइसी चीजी बन मस्का और एक चाय केटल आता है जो मेरे यहाँ पे साइड में रखा है। तो ये ऐसे आइटम्स है जो आप सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कभी भी कंज्यूम कर सकते हो। तो चाय थाली का कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है, जब भी आपका दिल करे, जब भी आपको भूख हो, आपकी भूख के हिसाब से, आपका जो एपेटाइट है उसके हिसाब से आप ये चाय थाली ले सकते हो। आपको अगर ज्यादा भूख नहीं है तो आप छोटी चाय थाली ले सकते हो, और आपको अगर यू आर हंग्री, आपको थोड़ा ज्यादा भूख लगा है तो आप जो हमारा सैंडविच चाय थाली या महाराजा चाय थाली है वो ले सकते हो। तो
कोई टाइम फ्रेम नहीं है चाय थाली के लिए कि आप दोपहर में ही खाना है या रात को ही खाना है, आप किसी भी समय ये कंज्यूम कर सकते हो, ऐसा हमारे ओनर की सोच होती है, समझे लगता है। सो एक आदमी की जो चाय थाली हमारे यहाँ पे अवेलेबल है वो है छोटी चाय थाली, जिसमें आपको चाय आता है, मैगी आता है और बटर खारी या बनमस्का आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो ये एक आदमी की 135 रुपीज को जाती है। फिर दो लोग खा सकते हैं, ऐसी रेंज की चाय थाली है, बड़ा चाय थाली जो 259 में आती है। वहां पे आपको दो अदरक चाय, खारी बिस्किट्स, स्पेशल मैगी और वेज सैंडविच मिलता है। तो अगर आप चार के ग्रुप में आए हो तो आप महाराजा चाय थाली ले सकते हो, जिसका प्राइस यहाँ पे 459 है, और सैंडविच चाय थाली भी ले सकते हो, जिसका भी 469 है। तो अभी कैफेज में या रेस्टोरेंट्स में आप देखोगे तो कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं, रेसिडेंशियल क्राउड भी आता है, तो कॉलेज स्टूडेंट्स जनरली जब आते हैं तो TTMM का कंसेप्ट आप देखो, ये कि कंट्रीब्यूट करके सब बिल करते हैं। तो अगर ऐसे ग्रुप में आए तो वो भी चाय थाली कंज्यूम कर सकते हैं, प्राइसिंग हमने वो हिसाब से रखा है। या फिर कोई रेसिडेंशियल क्राउड आया, कोई फैमिली के साथ आया, तो वो भी ये थाली इक्वली अफोर्डेबल रेंज में कंज्यूम कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमने इसका प्राइसिंग रखा है। रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, अभी 4 महीने हुए यहाँ के आउटलेट को। बानेर का जो आउटलेट है वो 5 साल पुराना है, 2018 से ये ब्रांड सर्व कर रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। और जेएम रोड को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, मेरे यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ क्राउड आते हैं, कॉलेज क्राउड भी आता है, रेसिडेंशियल क्राउड भी आता है, एंड चेरी ऑन द केक हमारे यहाँ पे ओल्ड पीपल भी आते हैं। FC रोड के यहाँ से एक क्या बोल सकते हैं, एक 70-year-old ग्रैंडपा है जो ऑलमोस्ट वीक में एक बार तो कैफे पे आते ही आते हैं, क्योंकि उनको ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। सो ऑल टाइप ऑफ क्राउड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। लोकल 18 के लिए पुणे से प्राची केदारी की रिपोर्ट।